तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मच अवेटेड ओडीआई सीरीज की शुरुआत आज होने जा रही है। और आपको बता दें कि भारतीय टीम में जो बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, शुभमन गिल, इसके अलावा रोहित शर्मा, हालांकि पहले मैच में तो नहीं है लेकिन इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन विराट कोहली वर्सेज एडम जैम्पा, ये सबसे बेस्ट आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। और बड़ी अपडेट आ रही है विराट कोहली को लेकर के कि एडम जैम्पा के खिलाफ और साथ ही साथ मिचेल स्टार्क जो उनके गेंदबाज है उनके खिलाफ विराट कोहली किस तरीके से अपनी बल्लेबाजी को इंप्रूव करेंगे, किस तरीके से उनको काउंटर करते हुए नजर आएंगे, इसके लिए विराट कोहली ने जमकर अभ्यास किया था वानखेड़े स्टेडियम में। और खूब मतलब कि उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदों पर शॉट्स मारने की कोशिश की। बाएं हाथ के जो तेज गेंदबाज हैं, जिस एंगल से वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे उस एंगल को ठीक तरीके से समझने की कोशिश की और बहुत सारे उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदों पर अभ्यास किया, बहुत सारे पुल शॉट्स मारने की कोशिश की, हुक मारने की कोशिश की, स्ट्रेट ड्राइव किया। और एडम जैम्पा के खिलाफ में उन्होंने जमकर अभ्यास किया है, मतलब कि स्पिनर्स के खिलाफ में, क्योंकि एडम जैम्पा और मिचेल स्टार्क दो ऐसे गेंदबाज हैं जो कि विराट कोहली के खिलाफ में अच्छी गेंदबाजी करते हुए पास्ट में भी नजर आए हैं। और इन दोनों के लिए एडम जैम्पा एज वेल एज मिचेल स्टार्क के खिलाफ में विराट कोहली ने कुछ स्पेशल तैयारी की है। उसके बारे में स्पोर्ट्स टॉक ने आपको पहले ही बताया था कि विराट कोहली के साथ साथ राहुल द्रविड़ एंड जो बैटिंग कोच है विक्रम राठौर, उन सब ने मिलकर के कुछ प्लानिंग ऐसा रखता है कि क्या एडम जैम्पा को नेगोशिएट करने के लिए एज वेल एज मिचेल स्टार्क को नेगोशिएट करने के लिए। और हो सकता है जिस तरीके से अभ्यास किंग कोहली ने किया, खूब सारे पसीने उन्होंने बहाए हैं, लगातार वो अभ्यास करते हुए नजर आए, तो हो सकता है कि एडम जैम्पा एज वेल एज यू नो मिचेल स्टार्क के खिलाफ में उनका बल्ला आज देखने को मिले। और हो सकता है कि आज ही विराट कोहली के बल्ले से एक और आपको फाइन नॉक देखने को अगर मिल जाए तो स्पोर्ट्स टॉक चैनल को जरूर याद कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।